हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है देव सिंह। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पानी कब पीना चाहिए, पानी पीने का सही तरीका क्या है, किस टाइम पीना चाहिए, किस टाइम नहीं पीना चाहिए, वो सारी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप सुबह उठते हैं, सुबह उठते ही आँख खुलते ही सबसे पहले आपको पानी पीना है, और पानी हमेशा घूट घूट करके पीना है। ये बात याद रख लीजिए कि आप किसी भी टाइम पानी पिए, अपने जीवन में कभी भी कहीं भी किसी भी टाइम अगर पानी पीते हैं तो घूट घूट करके पानी पीना है, चाय की तरह। उसका रीजन यह होता है कि जब आप घूट घूट करके पानी पीते हैं तो आपके पानी के साथ आपके मुंह में जो सलाइवा होता है, जो लार होती है, वो आपके शरीर में जाती है, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। सलाइवा के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लीजिए कि क्या क्या बेनिफिट होते हैं उससे। तो मैं आपको एक तरीका बता चुका हूं कि जब भी आप पानी पिए तो घूट घूट करके पिए, सुबह उठते ही सबसे पहले पानी पिए। आप नॉर्मल पानी पी सकते हैं, कॉपर मग का पानी पी सकते हैं, ल्यूक वार्म वाटर यानी कि हल्का गर्म करके भी पी सकते हैं पानी। इसके बाद बात आती है कि हम ब्रेकफास्ट करने के बाद पानी पिए या नहीं। देखिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद अगर आप ब्रेकफास्ट में कुछ भी खा रहे हैं, वैसे तो ब्रेकफास्ट में जो सबसे अच्छी डाइट होती है वो होती है फ्रूट्स, लेकिन अगर आपने कुछ और भी खाया है तो उसके ऊपर अगर आपको पीना है तो जूस पीना है, किसी भी तरह का जूस पी सकते हैं। लेकिन अगर आप पानी पीते हैं तो वो अच्छा नहीं है, डेंजरस है। अगर आपको पानी पीना है तो उस बीच में गैप होना चाहिए, आपके ब्रेकफास्ट करने के और पानी पीने के बीच में कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए। वैसे आयुर्वेद 1.5 घंटा कहता है, लेकिन मिनिमम 1 घंटे का तो गैप होना ही चाहिए। अगर आप 90 मिनट्स यानी 1.5 घंटे का गैप रखते हैं तो ये तो फिर और भी अच्छी बात है। तो ब्रेकफास्ट के तुरंत बाद अगर आपको कुछ भी पीना है तो जूस पी सकते हैं। नंबर 2, लंच करते हैं तो लंच के भी 1 घंटे बाद ही आपको पानी पीना है। 1.5 घंटे बाद पियेंगे तो और भी अच्छा है, लेकिन अगर 1 घंटे बाद भी पी लेते हैं तो वो ठीक काम करेगा। अगर आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीते हैं तो ये जहर का काम करता है। उसका रीजन ये है कि जब भी आप कुछ खाते हैं तो हमारी बॉडी में एक हीट क्रिएट होती है जो उस खाने को डाइजेस्ट करती है, लेकिन आपने खाना खाने के तुरंत बाद ही पानी पी लिया तो वो उस हीट को कम कर देता है। इससे हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, वो सड़ने लगता है। तो गाइस, ये जरूर ध्यान रखिए कि जब भी आप कुछ खाएं, चाहे वो लंच या डिनर, तो उसके बाद जब भी पानी पिए तो उस बीच में लगभग 1 घंटे का गैप मिनिमम होना चाहिए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि अगर लंच के तुरंत बाद ही, हमें तो आदत है कुछ ना कुछ पीने की, अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो फिर हमें बड़ा अजीब सा लगता है, खांसी हो जाती है, खाना नीचे नहीं उतरता है। तो लंच के बाद अगर तुरंत बाद आप कुछ पीना चाहते हैं तो वो होना चाहिए लस्सी और मट्ठा। आप मट्ठा पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, ये बेस्ट है। ये आपको फायदा भी पहुंचाएगा और पानी का गैप भी दे देगा आपको 1 घंटे के लिए। 1 घंटे का समय आपके पास होगा कि आप 1 घंटे बाद पानी पी सकते हैं। तो लंच करने के बाद अगर आपको कुछ पीना है तो वो है लस्सी और मट्ठा। तीसरी बात आती है डिनर की। डिनर के बाद भी आपको ऐसा ही करना है। डिनर के लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है, यानी कि 1.5 घंटे बाद ही पानी पी सकते हैं। 1 घंटे बाद भी पी लें तो चलेगा, जैसे मैंने आपको ब्रेकफास्ट में लंच में बताया, ठीक वैसा ही प्रोसेस है डिनर के लिए। लेकिन अगर आप डिनर के तुरंत बाद कुछ पीना चाहते हैं तो वो है दूध। आप हल्का गर्म दूध पी सकते हैं, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। पानी नहीं पीना है, ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जो अग्नि होती है, जो हीट होती है खाने को डाइजेस्ट करने वाली, आप उसको कम किए जा रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे आपने अगर खाना पकाने के लिए कोई अग्नि जलाई, उस पर आपने खाना बनने रखा, लेकिन आप नीचे तो पानी डाले जा रहे हैं, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि खाना कभी पक पाएगा? पॉसिबल ही नहीं होगा। तो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद जूस पी सकते हैं, लंच में लस्सी और मट्ठा पी सकते हैं, डिनर में दूध पी सकते हैं, और खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं। जब भी पानी पिए घूट घूट करके पिए, उसके बेनिफिट भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो गाइज, पानी का बहुत ध्यान रखिए, पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है। अगर पानी आप समय से नहीं पीते हैं तो बहुत सारे नुकसान होते हैं आपके शरीर को। तो पानी पीते रहिए, 5 से 6 लीटर मिनिमम है, 7 से 8 लीटर भी लोग पानी पीते हैं। तो आप पानी पीजिए, स्वच्छ पानी पीजिए, सही टाइमिंग मैंने बता दी है, सही तरीका मैंने बता दिया है, कितने गैप के बाद पानी पीना चाहिए ये भी बता दिया है। तो गाइज, अपना ध्यान रखिए, फिट रहिए, खुश रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड लाइफ, थैंक यू सो मच। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाना मत भूलना, बराबर में जो बेल है उसको क्लिक करके आप ऑल पे क्लिक करेंगे तो मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच।